मेरी आवाज आपको आ रही होगी यस यस क्लियर आवाज आ रहा है ओके ओके थैंक यू तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में और थोड़ा सा थोड़ा, 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 थोड़ा सा रुकिए जी राजीव एक मिनट में थोड़ा सा मैं लाइव होने दे उसके बाद हां तो चलो जी मैं स्टार्ट Yeah, all right, तो अभी हम लोगों को जो problem था ना कि 100, 100 से पार्टिसिपेंट्स हो, okay. yeah. हो जाते तो we can't join. तो अभी हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव है तो जो भी आपके फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं हो पा रहे हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स होने के बाद तो उनको आप ये यूट्यूब वाला लिंक शेयर कर सकते हैं ग्रुप में ऑलरेडी राजीव जी ने डाल दिया है अभी चैट में भी वो डाल देंगे तो यू कैन सर्कुलेट विद मेंबर्स ये चैट में डाल दिया राजीव जी ने तो आप लोग वहां से ले सकते हैं राजीव जी बिल्कुल आप स्टार्ट करिए uh, okay. yeah. right, so uh, आज, आज बात करने वाले हैं बहुत आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि हमारे पास काफी कुछ अपडेट है इस प्रोजेक्ट को लेके और आपको पता ही क्रिप्टो के फील्ड में कितने नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो वी आर सो हैप्पी अबाउट इट तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार राजीव जी कंफर्म कीजिए जॉइन किया है एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितने हमारे नए पार्टिसिपेंट्स है जो पहली बार इस जूम कर रहे हैं एक बार अपना हैंड रेस कीजिए प्लीज प्रीतम कुमार जी वन टू थ्री फोर ऑल राइट ऑल राइट बढ़ रही है नंबर्स ओके वाह वाह क्या बात है ऑल राइट right, तो जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं आप सभी का दोस्तों स्वागत है इस इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन में मैं ट्राई करूंगा कि काफी इजी तरीके से आपको पूरा प्रेजेंटेशन पूरा जो अपना कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रख सकूं और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली अपने प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाले हैं तो वहां पर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं ट्राई टू आंसर क्वेरीज तो दोस्तों इसको आप थोड़ा दिल थाम के बैठिए और ओपन माइंड के साथ इसको देखिए जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करने वाला हूँ okay? तो आप काफी इसको आई होप एजॉय करेंगे ऑल right? तो राइट right, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेक टेक्नोलॉजी क्या है जेनेक एक फिनटेक एंटरप्राइज है तो ये जेनेक एक्चुअली क्या करने वाला है दुबई के अंदर ये हमारा जो फिएट है और क्रिप्टो करेंसी है उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाला है इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फेट करेंसी क्या होता है जैसे जो, भी कंट्री है उसका जो लोकल करेंसी है जैसे इंडिया का का हो 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 गया आपका, हो गया का, हो गया आपका डॉलर इस तरह से उसको कैसे हम डायरेक्ट क्रिप्टो उस लोकल करेंसी से कैसे आप डायरेक्ट क्रिप्टो को सेल और परचेस कर, सक, कर सकते हैं तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जहां पे हम फिएट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी का आपस में लेन देन कर सके ठीक है क्यों इसके बारे में इतना आजकल बात हो रही है क्यों हम लोग इतना बात कर रहे हैं क्यों इतना इतना फेमस हो रहा है क्यों लोग इस पे इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ अभी क्या है आप सबको पता होगा यूएई यूएई एक कंट्री uh, है जहाँ पर अभी भी आप जानते हैं कि वहां पर रॉयल फैमिली है जिसका पूरी कंट्री पे शासन चलता है कंट्रोल है जैसे कि आप बोल सकते हैं और दुबई का जो रूलिंग uh, है उनका हमेशा ये विजन रहता है कि जो भी कुछ नया होता है दुनिया में चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या कुछ भी हो वो सबसे पहले अपने कंट्री में करने के लिए रेडी रहते हैं तो इसी तरह अभी यूएई की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने पूरे कंट्री को ब्लॉकचेन पे लेके जाने वाले हैं राइट तो उसमें क्या होगा कि जो भी उनके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो सारे आपके ब्लॉक चेन में जाने को मिलेंगे और जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं जैसे ऑक्शन होते हैं टेंडर वगैरह होते हैं रियल इस्टेट की जो भी प्रोजेक्ट है ये सब कुछ आपको टोकनाइज होते हुए देखने को मिलेंगे तो ये पूरा जो काम है ये एक्चुअली मिला है जेनिक टेक्नोलॉजीज को तो जेनिक एक आई कंपनी है जो की फिनटेक के, के फील्ड में काम कर रही है क्या क्या जेनिक ने किया है वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा बट सबसे मेन चीज यही है जो इसको इतना ड्राइव कर रही है और लोग इसको इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं कि इसमें यूएई गवर्नमेंट का डायरेक्ट आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं बहुत ही बेस्ट इंटरेस्ट है

Quickly हाँ पर आपको दिखा देता हूं एक बार तो इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ राइट ओके तो यहां पर मैं सर्च करता हूं जीनिक और ये मैं कैप्चा यहाँ पर डालता हूं और इंक्वायरी ये वैलिडेशन आप खुद भी कर सकते हो ओके okay. ओके, okay, तो so so, आप डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी इसकी रेलिवेंट जो डिटेल्स है वो यहां पर मिल जाएगी ठीक है उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है ये उनका लाइसेंस नंबर है तो अभी मैं एक बार डायरेक्ट आपको जेनेक की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ तो ये जेनेक की वेबसाइट है जेनेक आप इसको खुद भी एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपनी है ठीक है कंपनी का नाम ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ वेबसाइट पे भी दिख रहा है ओके और ये इनका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो है आपका दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी जिसने की इस कंपनी को ऑथोराइज किया है कि अराउंड द ग्लोब वो अपने कंट्री के नेम पे ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं आप इसको चाहें तो इस इसके वेबसाइट में भी जाके इसको वैलिडेट कर सकते हैं ऑलराइट right? तो क्या किया है एक्चुअली जेनिक ने वहां पर तो सबसे पहले जेनिक ने अपना एक खुद का ब्लॉकचेन बनाया है 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 ठीक ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन आप जानते हैं ऑन टॉप हम लोग हमारी जो है या जो क्रिप्टो करेंसी या भी हमारे प्रोजेक्ट आजकल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आते हैं वो सारा हमारा इस पे बनता है ठीक है तो वो ऑलरेडी इनका रेडी है आप चाहो तो देख सकते हो जेनिक डॉट नेट करके है जहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक इनका अप एंड रनिंग है मैं क्विकली यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ ठीक है तो ये इनकी ब्लॉक है यहाँ पर आप जाके खुद सब कुछ देख सकते हो क्या ट्रांजेक्शन क्या कुछ हो रहा है तो दिस यू कैन चेक इन रियल टाइम ओके दूसरा काम क्या किया है जेनिक ने अपना खुद का ये लोग कॉइन एक इन्होंने अपना बनाया है जेनिक कॉइन के नाम से जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है आपका यूनिसेप और पैनकेक पे ओके इसके बाद इन्होंने क्या किया है खुद का एक ऐप बनाया है जो कि जिसको हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज जो हमारे एप्स रहते हैं जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया मेटामास्क हो गया उसी तरह से ये ऑलरेडी अवेलेबल है आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो बट अभी ये टेस्टिंग फेज में है फुल वर्जन नहीं आया ओके ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने अपना खुद का एक्सचेंज ऑलरेडी मतलब अंडर टेस्टिंग है एक्सचेंज क्रिप्टो जैसे हमारा बाइनेंस हो गया बजीर हो गया इसी तरह से इनका खुद का एक क्रिप्टो का एक्सचेंज लाने का प्लान है जो कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक मतलब जुलाई 2022 तक आ जाएगा जिसमें कि आपको सारी टॉप करेंसीज लिस्टेड और ट्रेडेड होते हुए देखने को मिलेंगी ठीक है और क्या बेनिफिट होंगे इससे वो मैं आगे आपसे बात करूंगा इसके बारे में ठीक है उसके अलावा क्या किया है कि ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने कि एक अपना ये हार्ड हार्डवेयर काइंड ऑफ हब बनाया है जो कि मिंटिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है ठीक है इसके बारे में भी मैं अपने प्रेजेंटेशन में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा ओके और अभी मैं लेके चलता हूं थोड़ा इनकी जो कोर टीम है उससे थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ की बहुत ही ऑनेस्ट पैशनेट टेक्निकल कोर टीम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है कंपनी के सीईओ इरविन डॉक्टर जो कि एमबीए देन वी हैव चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर डॉक्टर माइकल ऑफनर इन्होंने एमबीए किया और इन्होंने पीएचडी किया है लाइफ साइंस में ओके तो इनका मेडिकल से भी बैकग्राउंड है तो उससे क्या बेनिफिट है कंपनी को उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं देन ये इनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है इस तरह से इनकी लगभग सत्तर पचहत्तर लोगों की कोर टीम है ऑलराइट और उसके बाद मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ पर आपको काफी नए न्यूज देखने को मिल जाएंगे मैं न्यूज पे क्लिक करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी कुछ यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है तो आप ये चाहे तो खुद यहाँ से जा सकते हो मैं एक न्यूज आपको छोटा सा ओपन करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा और आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके जो... तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट का विजन है तो ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं शेख सैयद बिन बिन अल पार्टनर ऑन द प्रोजेक्ट बी आर इन लाइन विद विजन ऑफ हिज शेख मोहम्मद राशिद सैयदूब जो कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है यू के ठीक है टू ट्रांसफॉर्म दुबई सिटी इन टू फुली पावर्ड थ्रो ब्लॉक और ये जो उनका काम है ये हमारा जेनिक के थ्रू होने वाला है ओके तो ये सारे आर्टिकल्स आप यहाँ से खुद पढ़ सकते हो काफी कुछ यहाँ से डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा ओके okay? और अगर आप इसके लाइव प्राइस की बात करें तो आपको होम पे ही इसका रेफरल मिल जाएगा ऑलरेडी ये लिस्टेड है आपका यूनिसेप और पैनकेक पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको करंट प्राइस दिखा देगा तो पैनकेक पे अभी जो करंट जेनिक का प्राइस है वो आई थिंक समवेयर अराउंड वन मतलब दो डॉलर के आसपास है तो ये आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं राइट right? uh, एक ही मिनट थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में ओके ठीक है ये ओपन हो जाएगा तो ये तो बात हो गई जेनिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में ठीक है अभी हम लोग बात करते हैं दूसरा जो इनका पार्टनर है वो है साफिर तो साफिर एक्चुअली यूएई दुबई की काफी पुरानी आईटी की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी है तो साफिर के पास ही जेनिक के पूरे एक्सक्लूसिव राइट्स है मार्केटिंग और जो भी मार्केटिंग और इनका होगा वो सारा राइट साफिर के पास है राइट? तो जो हमारा बैक ऑफिस है मार्केटिंग है वो पूरा यहाँ से ही मेंटेन होता है ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफी पुरानी कंपनी है और यूएई के अंदर ऑलरेडी गूगल अली बाबा याहू एप्पल सैमसंग आई इंटेल जैसी कंपनीज को ऑलरेडी सर्विस ये लोग वहां पर दे रहे हैं ओके इस और उसके बाद यहाँ पर अभी हमारा जैसे कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जो इसका एक्चुअल लॉन्चिंग है वो हुआ था बाईस तेईस चौबीस अक्टूबर को पिछले महीने दुबई में तो वहां पर हमारी टीम से काफी लोग गए थे राजीव जी वहां पर गए थे तो वो काफी कुछ वहाँ देख के चीजें वहां पर आए हैं जो हम लोग बता रहे हैं वो उन्होंने लाइव वहां पर देखा है और इसीलिए हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कि जो भी ये प्रोजेक्ट है एकदम 100 परसेंट है और जो और ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है ये कोई 18-20 साल का नहीं है उससे भी आगे 50 सौ साल का प्रोजेक्ट रहने वाला है ठीक है तो उस इवेंट में एक्चुअली कुछ तीन ऐसे नए नए प्रोजेक्ट है जिनको आप बोल सकते हैं जो कि ब्लॉक इस पे ऑनवर्ड होने वाले हैं तो अपने एक्चुअल प्लान में चलने से पहले मैं शॉर्ट में उसके बारे में बात कर लेता हूँ सबसे पहला है चुपान डॉट आयो ये जो हमारा एमेजोनिया फॉरेस्ट है उसका टोकनाइजेशन हो रहा है तो जो उनका ये पूरा प्रोजेक्ट है ये पूरा हमारा जेन के ब्लॉक चेन पे रहने वाला है ठीक है ये आप इसके बारे में चाहे तो पढ़ सकते हैं अमेजोनिया फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होगा कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जहाँ से जनरेट होती है वो इसी फॉरेस्ट से होती है ठीक है तो ये पूरा हमारा टोकनाइज होने वाला है जो कि जेनेक के प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म जेनेक की ब्लॉकचेन को यूज करके ये अपना ये सब कुछ करने वाले हैं ओके फिर दूसरा है हमारा कॉइन वे वर्ल्ड ये हमारा ऑस्ट्रिया की कंपनी है जो कि क्या है कि ब्लॉक जेनेक के ब्लॉकचेन को यूज करते हुए इन्होंने खुद का अपना पेमेंट सिस्टम बनाया जैसे इंडिया में हमारा पेटीएम जैसे आप बोल सकते हो जो कि डिजिटल पेमेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिया के अंदर अभी क्रिप्टो में पेमेंट मतलब गवर्नमेंट ने वहां पे परमिट कर दिया है तो ये हमारा क्रिप्टो वेस्ट सोल्यूशन लेके आ रहे हैं अपना ऑस्ट्रिया में तो वहां पर आपको क्वाइन के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट देखने को मिलेगा ये खुद के अपने कार्ड्स लेके आने वाले हैं ई कॉमर्स रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं ऑस्ट्रिया में उसमें ये लोग एपीआई वगैरह देने वाले हैं पे लिंक जैसे अभी आप आ, अपना ऑर्डर करते हैं लेट सपोज एमेजोन फ्लिपकार्ट से तो वो लोग हमें पेमेंट के लिए एक लिंक भेजते हैं कि तो उस आप क्लिक करो और पेमेंट कर दो सिमिलरली इस तरह के पूरे सॉल्यूशंस ये लोग ऑस्ट्रिया के अंदर देने वाले हैं और ये सारा का सारा काम होगा अपना जेनिक के ब्लॉक के ऊपर ओके ऑन टॉप ऑफ इट एक और जो प्रोजेक्ट है जो कि अपना एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो ये एविनॉक करके कंपनी है यू की जो की काफी बड़ी एक प्राइवेट एविएशन कंपनी है जो कि यूएई दुबई के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है एविएशन में रिलेटेड तो क्या क्या ये लोग कर रहे हैं वहां पर ये वहां पे टिकटिंग एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट की बुकिंग वगैरह है इसको ये लोग वहां पर कर रहे हैं तो ये एक्चुअली ये कंपनी ऑलरेडी इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज कर रही थी ठीक है लेकिन अभी इन्होंने जो हमारा हुआ है इवेंट दुबई में उसके अंदर इन्होंने आप यहाँ पर देख सकते उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डिस्कलोज किया है कि ये लोग जेनेक के ब्लॉक में माइग्रेट होने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एबिनोक एंड जेनेक अनाउंस्ड द पार्टनरशिप ऑन द ग्लोबल समिट 2021 इन दुबई एबिनोक माइग्रेट टू जेनेक स्मार्ट चेन इन दिसंबर इसी साल अगले महीने ये सब होने वाला है जेनेक ऑफर्स एलिजिबल फीस इनका फीस बहुत कम रहने वाला है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा अ रीजनेबल स्केलिंग मॉडल एंड इट्स कंपैटिबल विद ईटीएच इथेरियम तो इसमें क्या है इनको काफी कुछ बेनिफिट रहने वाला है तो ये एकदम पर इनका न्यूज है है और ये Abinox से रिलेटेड हमारा स्टेकिंग का प्रोग्राम भी आने वाला है, अपना जेनिक में तो उसमें क्या है हमारे स्टेकिंग का आपको पता ही है एक तरह से आप अपना फंड कुछ टाइम के लिए फिक्स करके रख देते हो ऑन टॉप ऑफ इट हमको रिटर्न मिलता है तो इसमें जो स्टेकिंग का हमको रिफंड आएगा रिटर्न आएगा या जिसको हम बोल सकते हैं डिविडेंड आएगा वो डेली बेस में रहने वाला है तो जैसे इसका और डिटेलिंग आएगा तो हम लोग डिटेल में आपको इसको बताएंगे तो ये तो एक तरह से ओवरव्यू हो गया थोड़ा शॉर्ट में अब हम लोग लेके आपको चलते हैं अपने एक्चुअल प्लान के ऊपर कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या ऑलराइट right? तो मैं वापस अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूं ओके okay. तो क्या विजन है वही कि अपना क्रिप्टो को और जो रियल टाइम जो हमारा क्रिप्टो और फिएट को ये लोग एक एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं, ठीक है थीके? ये मेन काम होने वाला है यू के अंदर तो हमें यहाँ करना क्या है ओके सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर कोई कॉइन वगैरह परचेज नहीं करने मतलब कंपनी के पास ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद के अपने जेनिक क्वेंस बना के रखे हैं और वो हमें बेच रहे हैं ऐसा कोई काम नहीं है तो फिर करना क्या है तो कंपनी क्या बोल रही है कि यहाँ पर हमें क्या करना है सिंपली इन क्रिप्टो में दो चीजें होती है मैं थोड़ा सा एक बार ये कंप्लीट करके फिर मैं एक्चुअली बताता हूँ क्रिप्टो में दो चीजें होती है अगर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड है तो एक तो क्रिप्टो में हमारी होती है माइनिंग माइनिंग के बारे में सबने सुना होगा कि अगर आपके पास एक अच्छा सर्वर है इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए और आप उसमें माइनिंग कर सकते हो तो उसमें क्या है कि पूरा मेंटेनेंस आपका है वो सर्वर आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई होनी चाहिए और उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए तभी आप उसमें माइनिंग कर सकते हो दूसरा टर्म है आपका मिंटिंग मिंटिंग के लिए क्या है कि हमें क्लाउड सर्वर मिलते हैं तो उसमें मेंटेनेंस पूरा कंपनी का ही है तो यहां जेने कंपनी क्या बोलती है कि हम लोग आपको एक अपने क्लाउड सर्वर का ओनरशिप दे रहे हैं जो कि 18 से 20 साल के लिए आपको ओनरशिप मिलेगा और उसमें आपको डेली के जेनिक कॉइन्स मिंट होके आएंगे ओके तो वो आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हो और जब आपको जरूरत है जब रिक्वायरमेंट है तब आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो ओके तो ये बेसिक काम है हमें क्या करना है जेनिक का एक हब जिसको हम लोग यहाँ पर हब बोलते हैं वो उसका ओनरशिप लेना है ओके okay? और उसमें हमें डेली के जेनिक आएंगे, वो हम एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं और जब भी हमें जरूरत है हम उसको कर सकते हैं। तो ये बेसिक काम हमें पर करना है ठीक है? एक है जैसे आपने पैनिक एक सैप के बारे में सुना होगा के बारे में सुना होगा वैसे ही एक जेनिक कि अगले महीने आई थिंक uh, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के मिड तक आ जाएगा जहां पर हम डायरेक्ट अपना प्रोजेक्ट ट्रेडिंग कर पाएंगे राइट और फिर इसमें ट्रिलियन डॉलर का टोकनाइजेशन के प्रोजेक्ट और काफी कुछ है इसके बारे में मैं वन उसके बारे में मैं फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ तो इनका जो पहला एक और पार्टनर है मैंने आपको बताया कि जो इनका एक्सक्लूसिव पार्टनर है वो है साफिर जो कि जो जिनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है मार्केटिंग के और जो हमारा बैक ऑफिस है उसका दूसरा जो इनका पार्टनर है वो है ओसीएस इंटरनेशनल ये एक्चुअली का बहुत पुराना एक बैंक है ठीक है तो बैंक इस बैंक का अपना जेनिक के साथ पार्टनरशिप हुआ है इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक ने ऐसा कुछ तो पोटेंशियल देखा है इस जेनिक के प्रोजेक्ट में कि जहां पर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करने का यू नो डिसाइड किया है आपको पता है कि बैंक वहीं अपने पैसे लगाएगी जहां से उन्हें अच्छा रिटर्न आने का एक्सपेक्टेशन हो ठीक है तो ये दूसरा इनका पार्टनर है

आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब जस्ट वन मिनट ओके तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं ऑल राइट यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह हमारे पास लिस्ट है

का 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 नाम 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 सुना है, Unilever का नाम सुना सुना है, 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 ये लोग गवर्नमेंट में देखेंगे तो गवर्नमेंट में सबसे पहला यहाँ पर नाम है गवर्नमेंट ऑफ दुबई क्योंकि ये पूरे यूएई को अपना ब्लॉक में लेके जाने वाले उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड सोवन तो काफी बड़े लेवल पे ब्लॉक चेन का एडोप्शन दुनिया के अंदर हो रहा है देन आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आई टी से रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा मोस्टली आजकल लोग ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आईओ टी रिलेटेड एप्लीकेशन और सोल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं एंड देन ट्रेवल ट्रेवल की आप बात करो तो आप देख सकते हो एयरलाइंस वगैरह भी इसको यूज कर रहे हैं और हमारे पोर्टफोलियो में आपने एविनॉक का नाम सुना है वो लोग भी यू you नो know, अपने जेनिक के ब्लॉक चेन को यूज करके अपना पोर्टफोलियो पोर्टल बना रहे हैं ओके okay? अब लेफ्ट हैंड साइड में इन्हें कौन नहीं जानता ये है बाइनेंस के सीईओ ये क्या बोलते हैं कि आने वाले टाइम में जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट से भी बड़ा होने वाला है तो आप सोचिए ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है तो अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज कि आप कुछ भी काम करते हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं जॉब में हैं टीचर हैं आईटी में हैं डॉक्टर हैं कुछ भी है बिना इंटरनेट के हम अभी अपनी लाइफ को मतलब इमेजिन नहीं कर सकते तो ये इतना जब यूज केस है इंटरनेट का तो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट से भी ज्यादा होने वाला है ब्लॉक का तो आप सोचो आने वाले टाइम में कितना इसका यूज केस रहने वाला है ये बात क्यों बोल रहे हैं ये अभी आपको मैं बताऊं दुनिया के सिर्फ से लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपोजर है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का तो आप देखो नाइनटी सेवन परसेंट लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको इस चीज का एक्सपोजर होना बाकी है जिनको पता चलेगा तो सोचो अभी ये काफी बड़ा परसेंटेज हो गया कितना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर इस, इस फील्ड के अंदर एक्चुअली ठीक है कि 97 अभी है और हम लोग लकी है कुछ भी ले लो जब भी उस चीज की स्टार्टिंग है अगर तब आप उसमें एंट्री लोगे तो आपको काफी प्रॉफिट होगा लेकिन वही चीज अगर अपने पीक पे पहुंच जाएगी तब आप एंट्री लेंगे तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा ऑलराइट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स

तो अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जैसे अपना बिटकॉइन ब्लॉकचेन है जिसमें एवरेज जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है वो चार से पांच एक सेकंड में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं तो जिन्होंने भी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन किया उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा जब भी आप 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 बिटकॉइन को खरीदते हैं या बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो आपको टाइम लगता है वो कन्फर्मेशन होने वो इसीलिए लगता है क्योंकि उनका टीपीएस बहुत कम है उसके बाद इथेरियम आया तो इथेरियम का जो टीपीएस है वो एवरेज है पंद्रह एक सेकंड में पंद्रह के आसपास उनके ट्रांजेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद आया है आपका ट्रोन तो ट्रोन का इन सबसे कहीं ज्यादा है वो है पंद्रह एवरेज एवरेज एक सेकंड में इनके पंद्रह सो यूनो ट्रांजेक्शन हो जाते हैं उसके बाद आया है हमारा ये जेनिक जेनिक आप देख सकते हो पचास इन सबसे कहीं ज्यादा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही फास्ट रहने वाले हैं ठीक है उसके साथ साथ ये एक तरह से हाइब्रिड काइंड ऑफ रहने वाला है मतलब जेनेक ब्लॉक ब्लॉकचेन से बना हुआ कुछ भी प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन है वो हाइब्रिड रहने वाला है मतलब आप आप जेनेक के ब्लॉकचेन में हैं और आप किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे बेस्ड करेंसी को सेल परचेज एक्सचेंज कुछ भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हो सकता है उसके लिए आपको कुछ रैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ <coughs> <coughs> जैसे आपने नाम सुना होगा यूनिसेप यूनिसेप आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि इथेरियम ब्लॉक पे बेस्ड है मतलब वो ई ट्वेंटी वाले जो टोकन है या करेंसी है उसी को आप यूनिसेप पे ट्रेड एक्सचेंज कुछ भी कर सकते हो अगर आपको कोई दूसरी करेंसी है जैसे कोई दूसरे ब्लॉकचेन में बनी हुई करेंसी है उसको यूनिसेप पे ट्रेड करना है तो पहले आपको उसको ई ट्वेंटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको हम ब्लॉक के टर्म में बोलते हैं रैपिंग ठीक है तो ये एक तरह से हाइब्रिड रहने वाली है कुछ रैपिंग करने वाले, करने की जरूरत नहीं है सपोज आपके पास आगे बढ़ते फ्रेंड्स आगे ये इनकी जो फिजिकल डिवाइस है जिसके बारे में मैंने बात किया हार्डवेयर वॉलेट है जो कि दुनिया में पहला एक वॉलेट है जो कि आपका मिंटिंग के कैपेबिलिटी से मतलब आप बोल सकते हो इसमें दिया गया है, मिंटिंग का कैपेबिलिटी तो इसमें क्या है जो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बात की थी जो जेनिक का हब हाँ हम लोग रह रहे हैं वो डायरेक्ट इसमें कनेक्टेड रहता है ओके okay? और इसमें हमारे जो कॉइन्स है वो ऑलरेडी डायरेक्ट इसमें आपके मिंट होके आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये एक तरह से आपका मास्टर नोट की तरह है। काम करता है right? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स <coughs> ये इसको कुछ सेफ्टी फीचर्स है ठीक है तो जो भी ब्लॉकचेन के के मतलब ब्लॉकचेन में जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो किया हुआ है इन्होंने अरेंजमेंट तो वो क्या है मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाता हूँ मोस्टली आप दो, देखोगे तो इतने तक का हमारा अभी जो बाकी के लोग हैं वो इस यहां तक का रखते हैं जो इनका इंक्रिप्शन वगैरह है सेफ्टी का उसमें क्या होता है

All right, आगे बढ़ते तो तो हम लोग पर बात करते हैं हैं। की, की जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है Google Play स्टोर पे आप चाहें तो भी कर सकते बट अभी ये टेस्टिंग फेज में है ये आपका डिसेंट्रलाइज एक तरह से ऐप रहने वाला है जैसे आप आपने ये अपना ट्रस्ट वॉलेट का नाम सुना होगा मेटा का नाम सुना होगा लेकिन ये ये उनसे कहीं ज्यादा एडवांस रहने वाला है ट्रस्ट वॉलेट में क्या है आप मतलब मतलब पहले आपको वहां पर USDT, वगैरह कुछ भी भेजना पड़ता है तभी आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो बट इसमें क्या है आप इसमें फिएट करेंसी से भी रियल टाइम में क्रिप्टो वाले ट्रांजेक्शन कर पाओगे और क्या है इसमें आप पॉइंट ऑफ सेल्स में डायरेक्ट पेमेंट भी कर पाओगे सपोज आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए यूआई की बात कर रहा हूँ यूआई के अंदर वहां पे आप कहीं शॉपिंग के लिए गए तो वहां पर बारकोड लगे होंगे आप डायरेक्ट इस ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हो इसको आप इजीली अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और जो हमारा यहाँ पर हब है जिसकी ओनरशिप हमें अठारह से बीस साल को मिलने वाली है वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा ओके और आपके जो जेनेक कॉइन्स मिंट होके आने वाले हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो जब भी आपको जरूरत है आप सिंपली यहाँ से यू नो कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको यूज केसेस का देखने को मिलने वाला है ऑलराइट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं जेनेका एक्सचेंज जो कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक आने वाला है ठीक है तो क्या बेनिफिट है जेनेका एक्सचेंज के क्या बेनिफिट होने वाले हैं क्यों लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे मतलब क्यों इसको लोग एकदम से अडॉप्ट करेंगे तो सबसे पहला इसका जो है वो बेस्ट एक्सचेंज रेट कि जो भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे वो बहुत ही ट्रांजेक्शन फीस बहुत ही मिनिमल रहने वाली है अभी अभी आप जैसे देखोगे कि अगर कोई पेनकेक यूनिसेप यूज कर रहा है तो वहाँ ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा है सिमिलरली अगर आप बाइनेंस यूज करते हैं बजीर एक्स यूज करते हैं हर हर एक्सचेंज का अपना ट्रांजेक्शन फीस है बट इसका सारे जो भी एक्सचेंज है उन सबसे बहुत कम रहने वाला है ओके okay? जो भी कॉमन एक्सचेंज है सबसे बहुत ही कम रहने वाला है एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है जो हमारे जेनिक कॉइन होल्डर्स है तो अगर आपके पास जेनिक के कॉइन्स हैं और आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ट्रांसफर वगैरह तो आप आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होने वाला है और क्या है यहाँ पे इन्होंने खुद का अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है जो जो कि यूरो के वैल्यू पे चलता है यूरो कॉइन तो इसमें क्या है कि जब भी आप जेने के एक्सचेंज पे कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे चाहे वो एक डॉलर का हो दस डॉलर का हो एक हजार का हो एक करोड़ का हो जो आपका ट्रांजेक्शन फीस कटेगा वो कटेगा जीरो पॉइंट जीरो वन यूरोन रुपीज में बात करो तो नौ दस रुपए एक यूरो की कीमत अभी नब्बे रुपए के आसपास है तो ये फिक्स है तो बाकी के कंपेरिजन में बहुत ही कम रहने वाली है ये फीस जो बाकी हमारे एक्सचेंज है उससे ये चीज काफी अट्रैक्ट करेगी यूजर्स को यहाँ जो भी पॉपुलर है वो सारी आपको लिस्टेड और ट्रेडेड होते हुए देखने को मिलेंगी ठीक है है और इस और इससे एक एडिशनल बेनिफिट होने वाला है, क्या होगा तो जेनेक एक्सचेंज से जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा इन फॉर्म ऑफ दिस ट्रांजैक्शन फीस जो इनका ये ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करेंगे जो इससे प्रॉफिट होगी वो पूरे प्रॉफिट को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जेनेक होल्डर्स में एज ए डिविडेंड तो ये हमारे लिए एक अलग तरह की इनकम रहने वाली है ठीक है क्या विजन है कंपनी का कि आने वाले तीन साल में ये टॉप टेन एक्सचेंज में अपने आप को लेके जाने के विजन को लेके काम कर रहे एक्सचेंज तो लेके आने वाला है दिसंबर या फिर जनवरी के मिड तक जेनेक् के नाम से ओके तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिनको हम डेक्स बोलते हैं ठीक है तो यूनिसेफ का नाम सबने सुना होगा ये आपका इथेरियम ब्लॉक बना हुआ है ठीक है और इसका जो होम कॉइन है वो है यूनिक ठीक है तो आप देख सकते हो इनका डेली का ट्रांजैक्शन कितना है ओके अरबों डॉलर में इनका डेली का ट्रांजैक्शन है जबकि इनका ट्रांजैक्शन फीस बहुत हाई है आप 100 डॉलर का ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आई थिंक 25 30 डॉलर तो ये ट्रांजैक्शन फीस ही ले लेंगे ओके तो ये आपका इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। मतलब ईआरसी 20 वाले ही टोकंस यहाँ पर ट्रेड हो सकते हैं ओके तो अगर हम लोग इथेरियम की बात करें तो इथेरियम 10 अगस्त 2015 को लॉन्च हुआ था उस टाइम एक इथेरियम का जो कॉस्ट था जब ये आया था उस टाइम था 0.668 मतलब आधे डॉलर के आसपास और इसी साल 12 मई को एक इथेरियम का वैल्यू आप देखो 4350 डॉलर गया है तो आप देखो 57 महीने में कितना ह्यूज ग्रोथ हुआ है इथेरियम में ठीक है दूसरा हमारा जो एक फेमस Okay? तो कर सकती है तो बाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो दो हजार सत्रह में इक्कीस सेप्टेम्बर को लॉन्च हुआ था और उस टाइम उसकी वैल्यू थी जीरो पॉइंट जीरो से भी कम और इसी साल 12 मई को ये इसने 660 का आंकड़ा भी छुआ है तो आप देखो 31 महीने में कितना ग्रोथ मिला है आपका पैनकेक को <laughs> सॉरी आपका ये बी एन बी को अब हम लोग बात करते हैं जेनेक का जेनेक का खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है जेनेक स्वैप के नाम से जो कि की, की खुद की अपनी ब्लॉकचेन पर रहने वाला है और यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको मतलब एक करेंसीआरसी ट्वेंटी जैसे पे लिमिटेशन है 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 कि ERC 20 वाली वाली करेंसी चल चल सकती है। इसमें B, BSC 20 वाली चल सकती इसमें ये वाला कोई लिमिटेशन नहीं है ये हाइब्रिड है कोई सी भी ब्लॉकचेन पे बेस्ड करेंसी है आप यहाँ पर ट्रेड एक्सचेंज सेल परचेज कर पाएंगे ठीक है तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है अगर हम लोग जेनिक की बात करें तो इसका जो जेनिक हमारा कॉइन है वो लॉन्च हुआ था दो अप्रैल को ठीक है साल अराउंड दो डॉलर के आसपास है आई थिंक लोड हो गया होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं ओके okay. तो ये दो डॉलर के आसपास ऑलरेडी पहुंच गया है अगर आप इसको पैनकेक स्वैप पे पहुंचेंगे ओके okay. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स <coughs> तो ये एक तरह से फ्यूजर होने हैं क्रिप्टो और रियल फाइनेंस का तो क्या क्या वहां देखने को मिलेगा आपको जो भी आपकी फिएट करेंसी है ठीक है, उनसे आप डायरेक्ट क्रिप्टो में हम आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे सिंगल क्लिक में आप बाई और सेल कर सकते हो से क्रप्टो, क्रप्टो से में, ओके। इसके बाद हम लोग पर बात करते हैं कि कि इससे क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है जेनिक आपका ऑलरेडी कनेक्शन हो जाएगा हमारे थ्रू में और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो क्रिप्टो पेमेंट जो भी ऑनलाइन स्टोर्स है, के अंदर, उनका पेमेंट के है और जो हमारे ई कॉमर्स से रिलेटेड करना है तो एपीआई देखने को मिलेगी और पेमेंट सर्विस जैसे पेपाल वगैरह हो गया वो भी आपको यहाँ पर ये पेमेंट सर्विस सब बिट, ये आपके क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलेगी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं जेनिक कॉइन के बारे में ठीक है तो इसके लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइन्स रहने वाले हैं ठीक है थीके? और ये क्या है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ हब भी है जिसके बारे में हमने बात किया कि जेनिक का जो हब है जिसकी हमें ओनरशिप लेनी है 18 से 20 साल में वो भी लिमिटेड है पांच लाख ही है ठीक है और इसमें एनुअल हाल्विंग है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हाल्विंग ठीक है थीके? और यहाँ पर क्या है वीकली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया जो जेनिक एक्सचेंज अगले साल आएगा और दिसंबर जनवरी तक इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा जेनिक स्वैप

तो यहाँ पर दो तरह की हालविंग है पहली है आपकी सेल्स हालविंग सेल्स हालविंग क्या है कि जब भी इसमें एक हजार हब सेल होते थे पहले तो हमारी चार परसेंट हालवे मतलब कम हो जाते थे नए लोगों के लिए ठीक है अभी करंट में हालविंग डाउन के रह गई है जीरो पॉइंट फाइव फाइव परसेंट मतलब आधा परसेंट कम हो जाता जब भी एक हजार हब सेल होंगे नए लोगों के लिए जो कॉइन्स है वो आधे परसेंट कम हो जाएंगे तो अभी एक हब में फॉर एग्जाम्पल एवरेज लगभग चार कॉइन के आसपास आ रहे हैं तो एक वीक के बाद लेट सपोज कोई ज्वाइन कर रहा है और उस टाइम तक अगर 1000 हजार हब सेल आउट हो गए तो वो नए, नए इंसान के लिए जो चार कॉइन्स आ रहे हैं उससे 0.5% कमाने फाइव परसेंट वाले तो ये तो है हमारा सेल्स हालविंग दूसरा है यहाँ पर टाइम हालविंग टाइम हालविंग क्या है कि हर साल 10 फरवरी को जो जेनेक आपको आ रहे हैं वो 50 परसेंट कम हो जाएंगे तो मान लो फॉर एग्जांपल अभी एक हब में चार आ रहे हैं तो 9 फरवरी 2022 2022 तक चार कॉइन ही आएंगे 10 फरवरी से वो आपके 50 कम हजार दो क्वेंस रह जाएंगे ठीक है फिर आगे पूरे एक साल तक आपको दो क्वाइंस आएंगे नेक्स्ट ईयर दस फरवरी दो को फिर आधे रह जाएंगे तो मतलब एक कॉइन आएगा तो ये आपका अठारह से बीस साल तक ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और बाद में ये

कैसा रहने वाला है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक स्टडी किया है उसमें ये उन्होंने उनको ये देखने को मेरा स्टडी में ये फाइनलाइज हुआ है कि जो क्रिप्टो का जो मार्केट है आपका टोकनाइजेशन का वो 24 ट्रिलियन जाने वाला है 2027 तक तो अभी हम लोग हैं 2021 में तो अभी ये मार्केट लगभग 2 ट्रिलियन का है 2027 तक ये मार्केट आप देखो बढ़ के जाने वाला है 24 ट्रिलियन डॉलर का जो कि 74 टाइम्स बड़ा होगा गूगल से और दो टाइम्स बड़ा होने वाला है आपका कोका कोला से तो आप देखो कितना ह्यूज पोटेंशियल है इस फील्ड में ओके okay? तो किस किस तरह की चीजें आपको टोकनाइज होते हुए मिलेंगी जो आपको ये फिगर दिया गया है बिलियन डॉलर का तो किस किस तरह की चीजें टोकनाइज होंगी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वो टोकनाइज होते हुए देखने को मिलेंगे उससे क्या बेनिफिट होगा कंपनीज का मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लोग सेव कर पाएंगे और क्यों इसका इतना ज्यादा आजकल टोकनाइजेशन इतना डिमांड में है क्यों लोग और कंपनीज कंट्रीज इसको कंपनी कर रही है सबसे पहला है कि 100 परसेंट ट्रांसपेरेंट है आपने कुछ रिकॉर्ड डाल दिया ब्लॉकचेन में फिर आप उसको मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन मैन्युपुलेशन कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है टाइम सेविंग है बहुत ही और ब्लॉक टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है तो इसलिए ये इतना ट्रेंडिंग में है यूए के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको रियल इस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट

तो इसलिए आपको सोलर प्लांट्स और बेंड पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी टोकनाइज होते हुए देखने को मिलेंगे फिर आपके आर्ट्स पेंटिंग इस तरह की इवेंट्स बहुत होते हैं वो भी आपको टोकन होते हुए देखने को मिलेंगे फिर पेटेंट्स जिसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं वो भी टोकनाइज होने वाले हैं लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स इस तरह की सारी चीजें आपको टोकनइज्ड होते हुए देखने को मिलने वाली है ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये तो सब कुछ हो गया अब हमें करना क्या है एक्चुअली मेन ये तो बैकग्राउंड हो गया क्या कंपनी करने वाली है गवर्नमेंट का क्या विजन है वो ठीक है अब हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या करना है कितना अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हमें रिटर्न आ सकता है एज ए इन्वेस्टर हम यहाँ से कितना प्रॉफिट कितना यू नो प्रॉफिट इनकम ले सकते हैं और एज ए एफिलेट मार्केट या नेटवर्कर हम यहाँ से कितना इनकम पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर है ठीक है उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया जेनेका हव जिसकी हमें ओनरशिप लेनी है ठीक है तो दो तरह के हैं एक तो फिजिकल डिवाइस है ये तो फिजिकल डिवाइस जिसके बारे में मैंने पीछे बात किया कि ये दुनिया के पहली अपनी तरह की डिवाइस है जो कि मिंटिंग कैपेबिलिटी के साथ आ रहा है और दूसरा है हमारे पास वर्चुअल डिवाइस वर्चुअल हब है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड सर्वर ठीक है दोनों दोनों में सेम ही आपका कॉइन्स मिंट होके आता है बस लेकिन ये फिजिकल डिवाइस में आपको ये हार्डवेयर वॉलेट मिलता है एक टैबलेट काइंड ऑफ बट इसकी डिलीवरी अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुई है तो हमारे लिए प्रेफरेबल है कि हम लोग ये क्लाउड हब के साथ ही यहाँ पर जा रहे हैं तो एक हब की जो कॉस्ट है अभी वो है 1500 यूरो चौदह यूरो इंडियन रुपीज में अगर आप बात करोगे तो एक लाख अड़तीस हजार या चालीस हजार के आसपास आपको पड़ता है तो इसमें अभी आपका डेली का लगभग चार जेनिक कॉइन्स के आसपास आ रहा है मैं आगे इनकम कैलकुलेटर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस इस इन्वेस्टमेंट से हमें एक साल में, मतलब रिटर्न हम ले जनरेट कर सकते हैं और 18-20 साल में हम कितना उस हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं right? तो यहाँ पर एक हब अगर हम लोग बात करें तो आपका पंद्रह सौ यूरो में है फिर हमारा अगर हम लोग कोई चाहे तो दो हब भी ले सकता है दो हब आपका पड़ेगा उन्तीस में तो यहाँ पर आपको एक तरह से पचास यूरो का वेंट है अगर कोई चार हब ले सकता है इस तरह से आप मैक्सिमम यहाँ पर 256 हब एक इंसान ले सकता है एक साथ में जो कि तीन लाख तीस हजार यूरो का पड़ने वाला है ठीक है बट अगर मान लो किसी के पास एक लाख अड़तीस हजार चालीस हजार एक लाख अड़तीस या चालीस हजार रुपए नहीं है तो वो इस हब को पार्ट्स में ले सकता है कि अपना आधा हब ले सकते आधा हब आप यहाँ पर देख सकते हो आठ यूरो का पड़ेगा ठीक है कोई आधा नहीं ले सकता है तो वो एक हब का फोर्थ पार्ट ले सकता है तो वो आपको फोर फिफ्टी का पड़ेगा सिमिलरली यू नो वो अपना आठवां भाग ले सकता है सोलवा और मिनिमम जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो आप बोल सकते हो कि आपका सौ यूरो है तो मतलब एक हब का आप 32 पार्ट ले सकते हो जो कि आपको सौ यूरो में पड़ेगा तो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज किसी को एक हब लेना है और उसने सौ सौ यूरो करके बत्तीस बार लिया तो आप देखो उसका कितने का पड़ेगा बत्तीस सौ यूरो मतलब जस्ट डबल हो जाएगा एक हब आपको पड़ रहा है पंद्रह सौ का और अगर आप बत्तीस बार सौ सौ यूरो में करके लोगे तो आपको पड़ेगा डबल से भी बट अगर आप एक साथ लोगे तो आपको बेनिफिट है ठीक दो हब में आपको और बेनिफिट है तो इस तरह से लोग अपने कैपिटल और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं और आई कैन अश्योर यू मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है जो आपको इतना रिटर्न दे सके ना तो कोई instance, ना ही कोई स्टॉक ना ही कोई म्यूचुअल फंड ना ही कोई एफ यही आई थिंक हमारे पास अभी गिनो चो ऑप्शन है इन सबसे कहीं ज्यादा रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको आगे थोड़ा इनकम कैलकुलेटर में करके में करके दिखाऊंगा एक्सेल थोड़ा ओके तो ये तो एज ए इन्वेस्टर हो गया आपने एक हब जितना भी आप आप आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना आपने इन्वेस्ट करके रख दिया और आपको 20 साल तक आती रहेगी ओके अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेट की जो लोग

तो इसमें हमारे कुछ लेवल्स हैं जिनका क्वालिफिकेशन है और हर लेवल को क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास एक अलग ही रिवॉर्ड मिलता है और तीसरा है वर्ल्ड पूल तो इस तरह से इन तीन ऑप्शंस के लगभग 69 परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नेटवर्किंग के अंदर जो भी लेट सपोज आप हंड्रेड यूरो हब परचेज कर रहे हैं या एक पंद्रह सौ यूरो वाला हब ले रहे हैं तो उसका सिक्सटी नाइन परसेंट ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हम और आप में ठीक है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है मैं आगे, आगे आपको समझाता हूँ सबसे पहला है अपना यूनि लेवल तो यूनि लेवल में आप देख सकते हो ये पंद्रह लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है तो पहले लेवल पे जब भी आप डायरेक्ट किसी को रेफर करते हो आपको नौ परसेंट डायरेक्ट कमीशन है जो जो कि आप इंस्टेंट विद्रॉ भी कर सकते हो दूसरे लेवल पे आठ तीसरे पे सात इस तरह से आपका ये इस इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पंद्रह लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है फिर नेक्स्ट है अपना दूसरा है आपका करियर लेवल इसमें क्या है कि अलग अलग रैंक है जिसका क्वालिफिकेशन है और क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास एक अलग यहाँ पर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता आपके लिए आई थिंक अभी आपको ठीक दिख रहा होगा तो जिसने भी आप कैसे इसमें हम लोग इनरोल कर सकते हैं आपको तो जिसने भी इनवाइट किया है वो आपको एक रेफरल लिंक देंगे उस लिंक के थ्रू आप अपने आपको इसमें रजिस्टर कर सकते हो ठीक है ओके और अगर आप आप मतलब किसी YouTube से वीडियो देखते हुए अगर आपने हमारा मीटिंग इनवाइट किया है तो राजीव जी आपको हमारे ग्रुप का लिंक दे देंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप तो वहां ज्वाइन करके भी आप करकेटेड हो, हो सकते हैं तो जो भी आपका जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको एक रेफरल लिंक देंगे उस थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए ठीक है तो आपका जो पहला अकाउंट है वो फ्री में क्रिएट हो जाए उसमें तो आपका सिर्फ एक लेवल का इनकम ओपन होता है आप जब भी डायरेक्ट को रेफर करोगे वो जितना भी इन्वेस्ट करेगा उसका आपको 9 परसेंट डायरेक्ट कमीशन मिलेगा ठीक है फिर दूसरा है है आपका न्यू प्लस, न्यू प्लस प्लस में क्या है? कि जब भी भी आप आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करोगे जितना एक हाँ चाहे करो दो हाँ करो या मिनिमम सौ यूरो वाला हब हाँ परचेज करो तो आपको यहाँ पर एक वन यूरो का बोनस भी मिलता है और आपके दो लेवल के यहाँ पर इनकम ओपन हो जाती है ठीक है फिर नेक्स्ट अपना जो रैंक है वो है स्टार्टर स्टार्टर के लिए एक छोटा सा क्वालिफिकेशन है वो है कि आपको दो लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है और जो आपका सेल्स सेल परफॉर्मेंस वो पंद्रह सौ यूरो का होना चाहिए तो आपको एक बंट बोनस मिलता है पंद्रह यूरो का ठीक है फिर नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है स्टार्टर प्लस उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको चार लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है तो दो लोग आपने ऑलरेडी किया हुआ है दो को और करेंगे तो आपका चार हो जाएगा पंद्रह का ऑलरेडी परफॉर्मेंस आपने दिया है पैंतीस और करेंगे तो पांच हो जाएगा मतलब इसमें पीछे का जो आपका है वो एकोमलेट होता जाता है तो इस लेवल को अचीव करने के बाद आपको मिलता है पचहत्तर यूरो का बोनस ओके उसके बाद जो मेन काम शुरू होता है वो होता है रूबी से तो रूबी का क्वालिफिकेशन क्या, क्या है मैं दोबारा से थोड़ा सा आपके लिए ओके तो रूबी का क्वालिफिकेशन क्या, क्या है कि आपको सात लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है और जो आपका परफॉर्मेंस है वो होना चाहिए दस हजार यूरो का ओके तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है आपको वन टाइम बोनस मिलता है थ्री हंड्रेड यूरो मतलब सत्ताइस हजार रुपए के आसपास और आपको वर्ल्ड पूल का एक शेयर मिलता है तो वर्ल्ड पूल के शेयर से क्या है आपको छह महीने की इनकम फिक्स हो जाती है तो पहले तो आपका ये एक लेवल का इनकम है ठीक है तो जैसे ही आप रूबी बनोगे तो आपके नीचे के चार लेवल का इनकम यहाँ पर ओपन हो जाएगा ठीक है इस तरह से डाउन में ओके जितने लोगों को आपकी डेफ्थ में चार लोगों की इनकम पर ओपन हो जाएगी मैं दोबारा से थोड़ा जूम करता हूँ इसको ठीक है नेक्स्ट फिर अपना रैंक है डबल रूबी डबल रूबी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको बारह लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है तो सात ऑलरेडी थे और आप करेंगे कितना पांच तो आपका ये हो जाएगा फिर इसमें आपके पांच लेवल का इनकम ओपन हो जाता है और इसमें आपको जस्ट डबल बेनिफिट है पहले आपको थ्री हंड्रेड यूरो मिल रहा था इसे अचीव करने में आपको सिक्स हंड्रेड वन टाइम बोनस और बन के आपको दो शेयर मिलते हैं

वन टाइम बोनस मिलता है चालीस हजार रुपए तो ये अगर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं जस्ट वन मिनट तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्टी थाउजेंड यूरो अगर आप इसको नाइनटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो छत्तीस लाख रुपए आपको वन टाइम बोनस मिलता है और यहाँ पर जो आपका ग्लोबल पूल है उसके आपको अस्सी शेयर मिलते हैं

अब हम लोग बात करते हैं जो थर्ड जो हमारा पूल जिसके बारे में मैंने आपको बताया ठीक है उसमें क्या है हमारा कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही मिनट रुकना आपको यहां से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ओके जस्ट वन मिनट ओके uh, okay. तो ये वो तीन uh, लेवल हैं जो इन्होंने ऑन किए हैं क्योंकि पिछले सारे लेवल लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इतने शॉर्ट पीरियड में उसके बाद ये तीन स्टार uh, डायमंड उसमें फाइव मिलियन का वन टाइम बोनस है और एक हजार यहाँ पर पूल के शेयर मिलते हैं उसके बाद डबल स्टार डायमंड एंड ट्रिपल स्टार डायमंड तो यहाँ पे आप देखो दस मिलियन वन टाइम बोनस और ट्वेंटी मिलियन तो ये इन्होंने एड ऑन किया यहाँ पर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड पूल की तो पूल में क्या है जो हमें शेयर मिलते हैं के है, के तो है? है? है, उसका दस निकाल के एक पूल में रख देती है और जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया होता उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो अगर रूबी के, के केस में बात करें तो रूबी के में जो एवरेज पीछे आया है दो तो आपका तो साठ हो सकता है तीन हो सकता है किसी मंथ आपका 200 भी रह सकता है ये डिपेंड करेगा कि उस महीने में कंपनी की सेल्स कितना हुआ है okay? फिर हम लोग डबल रूबी की बात करें तो उसमें 500 आता है पर मंथ इस तरह से आपका है और डायमंड केस में अगर आप बात करो तो 20,000 यूरो पर मंथ यहाँ पर आपको आता है इस तरह से से आपका कैलकुलेशन रहने वाला है। है तो तो अगर मैं थोड़ा सा के 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 लिए दोबारा आपको आपको दिखाता कि टाइम बोनस तो लाख आ जाता डायमंड अचीव करने के बाद और जो हमारे 80 शेयर मिलते हैं वर्ल्ड पूल के, उससे हर मंथ एवरेज बीस हजार आपको यूरो आने वाले है के लिए। ठीक है? इसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये एक लाख पैंतालीस एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपए होते हैं सिर्फ इस लेवल को अचीव करने के और उससे पहले आप ये लेवल अचीव करके जाओगे तो इसकी आपको अलग बेनिफिट है और इस इस लेवल पे पहुंचने तक आपने काफी लोगों को रेफर किया होगा तो हर रेफरल से आपको 9 परसेंट आठ परसेंट सात परसेंट लेवल बोनस आया होगा तो नेटवर्कर्स के लिए इसमें बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है ठीक है तो तो ये तो था पूरा प्रेजेंटेशन अब मैं आपको लेके चलता हूं जो इनका इनकम कैलकुलेटर है उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोई अगर एक हब लेता है तो एक एक साल में उसको कितना इनकम हो सकता है ठीक है और इवन कोई अगर 100 यूरो से भी इन्वेस्ट करता है तो उसको कितनी इनकम हो सकती है राइट तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने इनकम कैलकुलेटर पे ओके okay. तो आई थिंक सभी को ठीक से दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूं ओके okay. तो यहाँ पर आप देखिए अभी जो आ, एक सौ यूरो वाले जो हमारा हब है मिनिमम बत्तीसवा पार्ट उसमें लगभग के आसपास उसमेंट होके आ रहे हैं एक यूरो की वैल्यू आप देखेंगे तो नाइनटी थ्री रुपीज के आसपास है और एक कॉइन की जो करंट वैल्यू है वो वन पॉइंट नाइन डॉलर के आसपास अभी पैन के पे है ये देखिए थ्री ओके तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हो तो अभी ये वैल्यू आपकी चल रही है यूएसडी की बात करें तो एक एक यूएसडी की वैल्यू एटी रुपीज के आसपास है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई ये अपना एक हब लेता है तो एक हब की वैल्यू है आपका चौदह सौ निन्यानवे यूरोप इंडियन रुपीज में बात करोगे तो एक लाख चालीस हजार के आसपास पड़ेगा और इसमें हमारा अभी एवरेज जो कॉइन आ रहा है वो चार के आसपास जीरो थ्री पॉइंट नाइन फाइव मतलब चार कॉइन्स के आसपास आ रहा है तो एक महीने में बात करोगे तो लगभग 120 के आसपास आ जाएगा और एक साल में इसमें आपका 1400 सौ आसपास कॉइन आ रहा है तो एक, एक मंथ में आपको लगभग साढ़े तीन कॉइन के आसपास मिलने वाला और एक साल में ये आपका रहने वाला है लगभग पैतालीस के आसपास तो ये बेसिकली है इसका पूरा ठीक है बाकी अगर कोई मान लो दो हब लेता है तो उसका ईयरली आप देख सकते हो दो अट्ठाइस कॉइन होगा इसी तरह से अगर कोई सबसे लास्ट वाला लेता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका तीन लाख सत्तर हजार सात सौ इस तरह से कॉइन्स आने वाला है ठीक है अब मैं आपको लेके चलता हूं एक साल का हमने कुछ कैलकुलेशन यहां पर किया हुआ है ठीक है तो लेट सपोज कोई अगर एक हब लेता है एक हब में उसको एक लाख चालीस हजार रुपए इन्वेस्ट करें तो अभी हम नवंबर में हैं तो अभी के कॉइन के अकॉर्डिंग उसको हर मंथ लगभग ये आएगा आपका एक सौ तेईस एक सौ तेईस कॉइन्स और दस फरवरी को वो मतलब नौ फरवरी तक उसको ये तीन चार कॉइन के आसपास आएगा और उसके बाद आधा रह जाएगा तो अगली एक साल तक फिर जो हमारा टाइम हालविंग होगा फिफ्टी परसेंट कम हो जाने वाला है उस हिसाब से ये आपका एक साल में जो एवरेज कॉइन्स होंगे वो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्यारह सौ के आसपास आपके कॉइन्स रहने वाले हैं ठीक है थीके? तो अभी जो इसका एक्सपेक्टेशन है जो लोग हमारे दुबई इवेंट में जाके आए हैं उन उन्होंने जो वहाँ रियल टाइम में देखा है तो लोग बोल रहे हैं कि जो इसका प्राइस है वो जाने वाला है एक तरह से आप मान लो कितना भी कम जाएगा तो इन बिटवीन से सौ डॉलर में तक जाने वाला है ठीक है तो मैं उतना वैल्यू नहीं लेता मैं रियलिस्टिक आपसे बात करता हूँ कि लेट सपोज आज से एक साल बाद मतलब नवम्बर दो 20 के अंदर इसका प्राइस फॉर एग्जाम्पल आप मान लो पहुंच गया कितना पंद्रह डॉलर भी चला गया तो आप तो आप देखो यहाँ पर आपका कितना डॉलर बनता है सत्रह हजार पांच सौ बीस अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे अस्सी से तो आपका ये चौदह लाख हो जाने वाला है और हमने इन्वेस्ट कितना किया है यहाँ पर ये एक लाख चालीस हजार मान लो कि ये पंद्रह डॉलर भी नहीं गया दस डॉलर ही चला गया तो आप देखो आपका एक लाख चालीस हजार आपका नौ लाख के आसपास बनने वाला है। अभी मैं कह रहा हूं कि आप मान लो कि दस भी नहीं गया पांच डॉलर भी चला गया एक साल में क्योंकि दो डॉलर के आसपास ऑलरेडी रहा के और जिस तरह से प्रोजेक्ट लाइनअप है ये आराम से जाने वाला है लिस्ट आप दे के देख लो कि पांच डॉलर भी चला गया तो भी आपका एक लाख यहाँ पे बन जाएगा कितना चार लाख साढ़े लाख के ऊपर तो आप देख लो कौन सा ऐसा प्लान है कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो, आप, जो आपको इस तरह का रिटर्न दे सकता है वो भी बिना कुछ किए ये सिंपली आपने जो इन्वेस्ट करके रखा है उसका रिटर्न है राइट right? तो ये तो बात हुई एक हब की अब मैं कहता हूं कि कोई अगर सिंपली अपना हंड्रेड यूरो वाला प्लान भी पैक लेके रख देता है सौ यूरो मतलब वही नौ रुपए के आसपास तो आप देखो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब मंथली उसको तीन कॉइन्स के आसपास आएंगे और पूरे अगले साल तक उसके पास लगभग ये आपका बयालीस कॉइन्स के आसपास होंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देखो ये उसका नौ हजार रुपए आप देखो कितना बनने वाला है वो आपका कम से पैंतीस मतलब एक साल के लिए दिखाई है और ये आपका नेक्स्ट पूरा अठारह बीस साल तक हमें ये मिलने वाला है उसका कैलकुलेशन पूरा आपका यहाँ है ये आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर क्या लेके के रख कैलकुलेशन कि हर हर महीने आपका जो ग्रोथ है वो दस परसेंट भी रहा ठीक है पर पर ईयर सॉरी तो लेट सपोज आपने ये हब लिया है कोई एक हब ले कोई परचेज करके रखा है आपने ठीक है तो आप देख सकते हो कि आने वाले बीस साल में आपको कितना इनकम इससे होने वाला है आई में अगर आप बात करोगे तो ये देखिए आपका थ्री पॉइंट मतलब लगभग पौने चार करोड़ बन जाएगा मिनिमम जबकि ये है और आप सोचो इसका प्राइस और आगे बढ़ेगा अभी मैंने सिर्फ पांच डॉलर रखे ये माना है तो ये बहुत ही इनकम पोटेंशियल है इसके अंदर ठीक है तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई थिंक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है क्वेरीज है तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम लोग आपकी क्वेरीज लेंगे वन बाई वन एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज बाकी राजीव जी ने ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक वगैरह डाल दिया है ग्रुप का लिंक वो चैट में डाल देंगे तो वहां से आप हमारे आ, WhatsApp या ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए और कोई क्वेरी है तो वहां भी आप हम लोगों से पूछ सकते हो राजीव जी अब हम लोग क्वेरी आंसर ले लेते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन फ्रेंड्स अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप जिसका भी कोई क्वेश्चन है क्वेरी है आप अपना हैंड रेस कीजिए थैंक यूंप जी काफी अच्छा हाँ हम लोग का क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं काफी अपने बेहतरीन तरीके से समझाया सारी सारी चीजें और एक्चुअली लाइव भी है तो काफी लोग लाइव में भी देख ही रहे हैं भाई को क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग ले लेते ले हैं एंड तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन आंसर है तो अपना पूछ सकता है हैंड रेस कर सकते हैं क्या आई थिंक आपने काफी बेहतर तरीके से समझा दिया है लोगों को काफी समझ में आ गया होगा तो जितने भी नए लोग हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा देखिए अगर आपको हो सकता है अगर समझ में आया नहीं आया आ, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं चल रहा अगर आपने हाई इंटरेस्ट नहीं किया बट मुझे लग रहा है कि हाई कहीं ना कहीं हद तक आपको समझ में आया है काफी चीजें एंड मैं आपको यही बात बताऊंगा कि आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लॉन्ग टर्म है इसे समझने के लिए हमें भी काफी टाइम लगा हमारे अप्लैन पर भी काफी टाइम लगा यू नो रिसर्च करना पड़ा इसके पीछे काफी कुछ चीजें हैं जो हमने आपके सामने सारी चीजें रखा है यहाँ पे ठीक है और बाकी जो हम लोग दुबई में जाके यू नो पूरा यू नो जितना जितना हमने एक्सपीरियंस experience...